कड़ा था एकदम जस्ट बगल में पहुंच चुके हैं। रेस्टोरेंट में हमें ऑफर किया जाता है फूड कोर्ट कैफेटेरिया और गेम। तो ये है रेस्टोरेंट का इंटीरियर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देख रहे होंगे आज मैं खड़ा हूँ हाईवे के बीचों बीच यहाँ पे टोल प्लाजा, वहाँ से हम लोग चले जाएंगे बख्तियारपुर। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत अच्छी राइड पे जाने वाले हैं। उस अच्छी राइड के बाद एक बहुत अच्छी जगह आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपको पहुँच के ही पता लगने वाला है। तो आज जो मेरा राइडिंग पार्टनर होने जा रहा है, वो राइडिंग पार्टनर शायद आपने पहले ना देखा हो लेकिन बाद में आप देखिएगा उसे। आपको मिलाता हूँ अपने राइडिंग पार्टनर से। तो ये है प्रशांत। प्रशांत मेरा स्कूलमेट है, बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही अच्छा लड़का है यार, बहुत ही। आप फ्यूचर में आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं कि मेरा राइडिंग पार्टनर होगा। आप देख, और इसके पास भी भाई अपना अपनी बाइक है, मैं कोई लेके नहीं जा रहा हूँ उसे। आज हम दोनों जा रहे हैं, प्रशांत ने मुझे वो जगह सजेस्ट की है जो हम लोग जा रहे हैं। तो आज हम दोनों मोटो व्लॉग करेंगे यार, सोलो सोलो राइड दोनों करेंगे। सोलो राइड करके कहाँ पर जा रहे हैं प्रशांत आज, तुम बताओ। लोटस रेस्टोरेंट करोटा में है, न्यू कंसेप्ट रेस्टोरेंट है, कोई बढ़िया है। जैसा कि प्रशांत ने बोला लोटस रेस्टोरेंट हम लोग जा रहे हैं और उसको रिवील करते हैं। तो वहाँ पे चल के ही पता चलेगा। जब तक के लिए आप इस राइड को एंजॉय कीजिए। आपको यहाँ से टोल प्लाजा से लेके आपको बख्तियारपुर तक की राइड देने वाले हम लोग। तो आज से मेरा ये पार्टनर रहा और हम लोग चलते हैं अपने अपने बाइक पे इंडिविजुअली। तो मिलते हैं आपको सीधे रोड पे, डायरेक्ट रोड पे स्विच होते हैं। बात कर रहे हैं हम अपनी राइड की और यहाँ से गाड़ी गर्म करते हुए और निकलते हैं हम लोग बख्तियारपुर की तरफ। जैसे कि हम लोग टोल प्लाजा से निकल के सीधे से जो जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, और ये प्रशांत हमारे साथ चल रहा है। सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे इस रोड पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे सीधे से एक रास्ता, जो आप सीधे से जाइएगा तब भी आप फतुहा ही पहुँच जाइएगा। अगर आप इधर से भी जाइएगा तो न्यू फोर लेन हाईवे है जहाँ से हम लोग अब जाते हैं, क्योंकि ये नया ही बना है। तो उधर से ना जाके वो बहुत ही बाहियात रास्ता है, तो हम लोग यहाँ से ही जाना प्रेफर करेंगे। और इस रोड का जो मोटो व्लॉग होने वाला है, इस रोड की जो जर्नी होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि है ये रोड है राइडर्स के लिए। ये जो व्यू यहाँ से मिलता है वो आपको किसी शहर से नहीं मिल सकता है। जो ये फेनोमेनल व्यू यहाँ पे आपको दिखता है चारों तरफ हरियाली वाला, ये सीन यहाँ और कहीं शायद मुश्किल है। लेकिन जब बारिश का टाइम होता है तो यहाँ वहाँ तक पूरा का पूरा पानी भर रखा होता है, तो उस टाइम और मज़ा आता है। नहीं, अभी ये ज़्यादा हरियाली देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। तो थोड़ा सा इस ट्रक वाले को पीछे कर देते हैं तब मिलते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके फतुहा मोड़ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग आपके इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड आगे बढ़ते हैं, तो आप जो देख रहे हैं, रुकिए देखिए अच्छे से, जो देख रहे हैं ये ऊपर से जाइएगा तो हम लोग फतुहा क्रॉस कर जाएंगे। नीचे से आप जब चले जाइएगा और यहाँ से अंदर जाइएगा तो ये फतुहा मार्केट है, पूरा का पूरा फतुहा यहाँ से। नीचे से आप दनियामा है, इस साइड से अगर आप जाते हो तो दनियामा है, और वहाँ से आप गया राजगीर जा सकते हो उस रास्ते से भी। और यहाँ से सीधे चलिएगा तो यहाँ से सीधा हम लोग बख्तियारपुर चले जाएंगे। तो हम लोग बख्तियारपुर जाना है यार, तो वो नीचे वाला रास्ता जब किसी दिन राजगीर राइड होगी अपनी, आप बोधगया राइड बाइक से होगी, उस दिन ही इस्तेमाल करेंगे। अभी तो फिलहाल इस राइड को सक्सेसफुल बनाया जा रहा फतुहा क्रॉस कर चुका है हमने। फतुहा क्रॉस किए हुए 5 किलोमीटर हो चुका है और अभी यहाँ पे चल रहे एकदम आराम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी शांति है। एक दो कार बस पास कर रहे कुछ कुछ देर में, हम लोग थोड़े से जोश आराम से गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बख्तियारपुर अभी भी 23 किलोमीटर दूर है यहाँ से बख्तियारपुर, लेकिन नहीं जाना है।
थोड़ा पीछे जाना है। तो हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं कराता है, एकदम जस्ट बगल में पहुंच चुके हैं। 204 किलोमीटर मुश्किल से रह गया है और कराता जाके फिर हम लोग उस रेस्टोरेंट को ढूंढते हैं जहाँ पे हमें जाना है। तो हम लोग देख सकते हैं इधर सामने से आपको दिख रहा होगा कराता वाला ये मंदिर, ये इसी रास्ते पे है, एक लंबा स्थान है। तेरा कराता मंदिर अपना, बट मे भी हमें इधर नहीं जाना है क्योंकि मैं इसका गाइड नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में। जय जगदम्बा माता की। ये रहा अपना लोटस रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें जाना था। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड जैसा कि प्रशांत ने बताया, लेट्स एक्सप्लोर इट, अंदर चल के देखते हैं आखिर ये है क्या। द लोटस रेस्टोरेंट फूड कोर्ट कैफेटेरिया एंड द गेमिंग ऐसा इधर लिखा हुआ है, बट अंदर जाके ही पता चले है क्या एक्चुअली। जैसा कि फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे कराता के आगे, यहाँ पे है, ये है लोटस रेस्टोरेंट। लोटस रेस्टोरेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, अभी तो मैं अंदर गया नहीं हूँ, बट लोटस रेस्टोरेंट में हमें ऑफर किया जाता है रेस्टोरेंट फूड कोर्ट कैफेटेरिया और गेमिंग। तो अंदर चल के इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि यार इसमें आखिर है कैसा ऐसा जो फन लविंग चीज़ हो, जो हमें एक्साइट करे, जो आपको एक्साइट करे। तो अंदर चलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द लोटस रेस्टोरेंट। जो भी है जैसा भी है हमारे साथ बने रहिए, मज़े करेंगे साथ साथ हम लोग। तो अंदर चलते हैं और इसे देखिए। कैबिन टाइप बना हुआ है आपका, पूरा वुडन कैबिन कह सकते हैं, बम्बू कैबिन, फुल्ली प्राइवेसी आपको मिल रही है। अपने कैबिन आपको पूरा का पूरा कैबिन मिल जाता है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये बम्बू से कवर है एक पूरा कैबिन और दो लोग बैठ सकते हैं उस साइड वो इस साइड में, तो ऐसा कैबिन है और ये बड़ा ही सुंदर है। अंदर है आप देख सकते हैं, तो ये जो है ये कैफ़े है, कैफेटेरिया है, तो कैफेटेरिया भी आपको दिखाते हैं कुछ देर में। तो यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट वालों ने बहुत अच्छा से हमें सर्व किया, बहुत अच्छे से सर्विस किया और हमें कॉफ़ी दी है, तो कॉफ़ी पी के मिलते हैं आपसे जल्दी। जैसा कि आप लोटस रेस्टोरेंट में आते हैं वहाँ पर लिखा था कि यहाँ पे कैफेटेरिया रेस्टोरेंट और यहाँ पे है गेमिंग जोन। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे गेमिंग जोन है, यहाँ पे हर टाइप के गेम है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बुल काट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेबल बॉल है, मतलब क्या क्या, मैं नाम भी कभी कभी कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। आप मोटर बाइक चला सकते हैं यहाँ पे, और इधर सबका एक कॉइन पे एक चलता है, एक कॉइन की कीमत 25 रुपीज़ है, मतलब एक कॉइन लीजिए 25 रुपीज़ का और उसको एक गेम खेलिए मज़े से। और देख सकते हैं ऐसे ऐसे गेम भी, ये सारे जितने भी देख सकते हैं इन्हें हम खेल के दिखाएंगे और आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, तो आप बस देखिए कितना मज़ा आता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं जैसे आपको ऐसे ऐसे कॉइन्स मिलेंगे और एक कॉइन पे एक मशीन आप चला सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे मोटर बाइक चलाएंगे, आप ये मोटरसाइकिल चलाएंगे एक पॉइंट पर, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस होता है। तो आप हमारे गेम को एंजॉय कीजिए और आपको अच्छा लगे तो आप भी आके एंजॉय कीजिएगा जरूर। करने के लिए अब अपन बार मेरी बारी होती है, ये रहा कॉइन और इसे डालते हैं और इसे गेम को स्टार्ट करते हैं। बाकी कॉइन इसको देते हैं, यहाँ पर डालना है पहले इसे गेम सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, बाइक सिलेक्ट करना पड़ता है, इंजन
जैसे कि हमने बाइक गेम खेली और इस पर काफ़ी मज़ा आया, आपको सच में बॉडी सेक करनी पड़ती जैसे आप रियल बाइक में बैलेंस बनाते हैं, वैसे इस बाइक में बैलेंस बनाते हैं। तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था इसका, और आगे भी गेम्स है तो वो भी ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। यार बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपने गेम ये वाला बहुत देखा होगा, ये हथौड़ा हैमर मारने और चौक निकले आपको हथौड़ा मारना है, ये गेम भी है। तो ये भी अभी प्रशांत खेल रहा है, उसके बाद मैं भी खेलूँगा, आपको बताता हूँ इसे, इसको देखिए जरा कितना मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग गन वाला गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे ये वाला रीलोड कर रहा है। तो जैसे ही होता है आप प्रशांत के साथ हम डुओ खेल रहे हैं, डुओ गेम, और गेम स्टार्ट हो रहा है अभी। और यहाँ पे हम लोग गेम खेल रहे हैं और वाइब्रेशन हाथ पे भी आ रही है यार, फुल फील आ रहा है इधर। तो अभी बड़े मज़े के साथ हम लोग चलाने जा रहे हैं कार, तो रियल कार भी चलाते हैं, बट यार गेम में कार चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे चलाते हैं, जैसे भैया सेट कर रहे हैं अभी से, एक्चुअली बात करें बात सॉफ्टवेयर की नहीं है, बात है गेमिंग सेटअप की, जो कि यहाँ पे है गेमिंग कंसोल, विंडो चालू हुआ कर दीजिए। ये देख रहे हैं स्टेयरिंग में छू नहीं रहा चल रहा है, तो ये कार चला के बहुत मज़ा आया। सबसे मस्त चीज़ मेरे को ये वाली लगी, ये कार वाली एकदम रियल एक्सपीरियंस है, रियल पैडल, रियल एक्सेट्रा, रियल स्टीयरिंग, बड़ा मज़ा आया। ये गेमिंग जोन एकदम फैंटास्टिक वाली फील आ गई यार खेल के। सो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया, प्रशांत का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गेमिंग जोन में? तो बढ़िया था, अच्छा था। हाँ, प्रशांत ने कार नहीं चलाया, बाइक चलाया और वो हैमर वाला खेला था, और बाइक से ज़्यादा अच्छा था कार, मतलब कार से ज़्यादा अच्छा था बाइक, नहीं कार ज़्यादा मस्त था, नहीं मेरे कार अच्छा था। तो ये यहाँ का एक्सप्लोरेशन बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे गेमिंग जोन सबसे बेहतर मेरे को लगा। जैसा इतना एंटरटेनमेंट करने के बाद, फन जोन पे खेलने के बाद, प्ले जोन में खेलने के बाद, हमें लग रही भूख, तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, और हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे मशरूम चिली, और ये इसमें क्या ऑर्डर किया भाई तू? चिकन दो प्याज़ा ये खा रहा है यहाँ पे हमारा ये अपना, और अभी हम लोग इधर खा रहे हैं। इसके बाद हम आपको पूरा रेस्टोरेंट के पूरा व्यू दिखाएंगे, मस्त पीछे गार्डन है, गार्डन में दिखाते हैं, एकदम मस्त व्यू है। यहाँ का खाना का भी रिव्यू आपको बताते हैं। अभी तक तो खाना बड़ा डिसेंट लग रहा है यार, बहुत अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है, और खा के मिलते हैं जल्दी। देख सकते हैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके गार्डन वाले एरिया में, जैसे कि मुझे तो रात हो गई यार, ये खुला खुला गार्डन, यहाँ पे भी बैठ के आप मस्त अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ पे मस्त स्टेज भी है, पार्टी फंक्शन है ऑर्गेनाइज। मेरे पीछे पेड़ कैसा हिल रहा है, बड़ा डर लग रहा है, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। तो ये था यहाँ का गार्डन सेक्शन, जो कि लास्ट में हम लोग आए, और बड़ा सुंदर है, इसके पीछे लेक भी यहाँ पर देख सके, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है आप देख सकते हो यहाँ पे। शायद लाइट जलाई यार मैंने ऊपर सर जस्टिस नगर पर, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है इधर, फ्लैश लाइट बना रहा हूँ, बट यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लेक है, बहुत ही खुशनुमा है यार। थोड़ा लेट कर दिया हमने, बट ये इस ब्यूटी को, इस व्यू को भूलना नहीं चाहिए। ये लोटस रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे यार, और यहाँ का खाना का जो बात करो यार, इतना बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मैं ब्लोटेड फील कर रहा हूँ इतना खा लिया मैंने, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब थोड़ा बाहर निकल के बात करते हैं, और बाहर निकल के बंद करते हैं वीडियो को, क्योंकि थोड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है। तो चलिए, जैसे कि अब हम लोग अंदर से बाहर आ चुका है, ये रहा अपना प्यारा लोटस रेस्टोरेंट, और यहाँ पे अपना वाटरफॉल चालू हो चुका है, जो कि बहुत ही मस्त वाली वाइब देता है यार। और यहाँ पे हम लोग जब उल्टा खड़ा होते हैं इसके,
और ये वाटरफॉल के नज़ारे को देखते तो और भी मज़ा आता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और कैसा लगा आपको ये राइड और ये कैसा लगा ये लोटस टेम्पल कमेंट करके बताइएगा, और मेरे राइडिंग पार्टनर प्रशांत के बारे में भी आपका क्या ख्याल है इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए जगह, नए डेस्टिनेशन पे और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा यार। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय। अच्छा लोटस टेम्पल जो